तमाम मखलूकात हैं, लेकिन कुरान पाक अल्लाह की सिफत है जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। सबसे पहले हाफिज़े कुरान को तरजीह दी जानी चाहिए। महामारी पेश आई कोरोना में, हॉस्पिटल भर्ती अपने हॉस्पिटल भर्ती हो रहे थे, लोग भर रहे थे, एक बात नहीं है, सवाल पैदा होगा हुआ, सबसे पहले जान किसी बचाएगा। परेशान हुए, कोरोना ने फतवा दिया हाफिज़े कुरान की जान पहले बचाई जाए। ये 7-10 साल की हिंदी वाले भी जारी आ रहे और बढ़ने के बाद ये तो हाफिज़े कुरान को बचाया पहले जाएगा, दुनिया में भी बचती है Oh, no!
और इसके बाद उनकी छोटी बहन हाइफा, ये भी हाफिज कुरान है और बड़ा कमाल है कर दिया है हमारे उमर सलीम की बेटियों ने। तो इंशाल्लाह ये भी आपके सामने पढ़कर सुनाएंगी। ये दोनों मस्कत ओमान में हिफ्ज़े कुरान उन्होंने किया और इनका हिफ्ज़े कुरान है। अल्लाह ताला इनके हिफ्ज़ को हमेशा बाकी रखें और इनके वालिदैन को क़यामत के रोज ताज पहनाए और अल्लाह ताला को उनके घरानों को कुरान मजीद के नूर से। मोहतरम हजरात, हम कुरान मजीद देखते हैं कि फसल में कुरान मजीद के सैकड़ों वाले ग्राम हैं, उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। और कुरान मजीद के साथ जो हमारा ताल्लुक होना चाहिए वो हमको कम दिखाई देता है। मुझे एक बिजली बेचने वाले ने मुझसे कहा, मुसलमान था और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, उसने कहा कि हमारे गुजरी में बहुत से लोग जो गुजरी ला कर देते हैं उसमें कुरान मजीद देते हैं और हमको बड़ी तशवीश होती है, हम उसको निकालते हैं और उसको पैक करके नदी के अंदर उसको डाल देते हैं। ये तो ये गुजरी वाले ने कहा। इस तरह हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और दूसरे लोगों के पास भी कुरान मजीद जाती है, उनको मालूम नहीं होता और इस तरह हम कुरान मजीद की वो तालीम जो होती है वो नहीं हो पाती। वो गुजरी वाला कहता है बाहर में कहीं पर भी दूसरे इलाकों के अंदर, हमारे जिले के अंदर और कर्नाटक के दूसरे मुस्लिम इलाकों के अंदर ऐसे तसव्वुर भी नहीं पाया जाता है कि कोई गुजरी के अंदर कुरान मजीद डालता है। तो उसकी भी खास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, कुरान मजीद को दफन करना चाहिए उसको, या बॉक्स वगैरह लगाए गए हैं जहाँ पर किताबें डालने के लिए, तो उस बॉक्स के अंदर उसको डालना चाहिए, उसका एहतराम हमको करना चाहिए। इस पर हम जरा गौर हो। Thank you.
जिंदा मौजूदा भूल गया कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद को किस तरह महफूज किया है और दुनिया की कोई ताकत इस कुरान मजीद को कभी मिटा नहीं सकती और दुनिया ने इसके सिलसिले में कोशिश तो की लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो गया। कोई जबर दे कोई रस्सी बराबर हरफ भी कोई बदल नहीं सकता। आपने इन दोनों बच्चों को देख लिया कि अल्लाह तआला ने किस तरह कुरान मजीद को तीनों के अंदर महफूज कर लिया है। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हम सबको कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक अदा फरमाए। वो जमाने में मुअज्जज से मुसलमान होकर हार पे तारीख कुरान होकर वाकुल दावा अल्हम्दुलिल्लाह।